तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे एक स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, अभी फिलहाल वो स्टेट बैंक में मैनेजर है पटना में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, पंकज जी नाम है उनका। पंकज जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने एक प्रॉब्लम शेयर की। चलिए वो प्रॉब्लम हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हमारी इस रिपोर्ट ऑटोमेशन की क्लास में। बेसिकली उनके पास इस तरह से कई सिटी में डेटा है, दिख रहा है आपको, कई सिटी में डेटा है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे उस डेटा को लुकअप करना, राइट सर? ठीक है सर। वो सीट नेम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, नेम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और डेटा यहाँ लाएंगे, नेम आईडी जो भी उनका होगा। मैं उनके जैसा मैं समझ पाया उस तरह से हमने एक सैंपल आपके सामने क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना होगा, तो हम इसके लिए डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद होगा कि लिस्ट बनाने के लिए हमें डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट डेटा मेनू अंदर के अंदर डेटा मेनू बार के अंदर डेटा वैलिडेशन, और जो भी लिस्ट है यहाँ पे लिख दीजिए या कहीं से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे DT1, DT2, DT3, DT4, DT5। ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप डाउन आएगा, तो कि हम सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ नेम आता है। तो मैंने नेम का एक लिस्ट बना के यहाँ कहीं और पेस्ट कर दिया होगा। मैंने इसको रिमूव डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो सारे नेम और फिर नेम में हमने डेटा वैलिडेशन में किया लिस्ट, और यहाँ पे इस लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारा लिस्ट आपके सामने दिख गया, ओके? तो अब यहाँ पे बात आती है, सुनिए, अब आपका यहाँ पे लुकअप करना है, तो एक सीट से लुकअप करने के लिए जनरली हम लोग वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप किसको किसको नहीं आता है? लुकअप सबको आता है फॉर्मूला? सर बेसिकली इतना वीडियो में तो उतना देख लिया था सर, मेरे को नहीं आता वी लुकअप। ओके, तो वी लुकअप के बारे में समझिए क्या होता है। आप अपने कॉलेज लाइफ में जाते थे और अपना रोल नंबर डालते थे, सबमिट क्लिक करते थे, तो आपका रिजल्ट आ जाता था वेबसाइट पे, क्या सर? बैंक नंबर, बैंक अकाउंट, बैंक में आप जाते हैं, बैंक बैंकर को आपका अपना अकाउंट नंबर देते हैं, आपके अकाउंट नंबर से बैंकर पूरा डेटा ढूंढ लेता है। ऐसे ही आपके एचआर एम्प्लॉई कोड से आपकी पूरी रिकॉर्ड निकाल लेती है, मतलब कि एक यूनिक आईडी के बिहाफ पर किसी डेटाबेस में से किसी डेटा को ढूंढना लुकअप आता है, और वी लुकअप वर्ड की लुकअप होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पूजा के बिहाफ पे DT1 से ये पूरा रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी लुकअप लगाया, वी लुकअप में हमने लुकअप किसके बिहाफ पे लुकअप करना है, यूनिक कौन सा है, तो हमने पूजा को ले लिया। जाता टेबल एरे कि टेबल कौन सा है, तो हमने टेबल DT1 को लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉमा इसमें से। अभी क्या है कि एक ही सेल की एक ही कॉलम की वैल्यू देगा, तो मुझे बताना पड़ेगा कौन से कॉलम का, तो मुझे नेम चाहिए तो हमने बोला पहले कॉलम का, और एग्जैक्ट मैच करना है, जी हाँ, तो हमने फॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, या फॉल्स के जगह पे आप जीरो भी दे सकते हैं, तो ये आपका नेम आ गया। सेम उसी तरह से पूजा हमने इसको सिलेक्ट किया, और इस बार डेटा में गए, DT1 में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, कॉमा, अब इस बार जनवरी का चाहिए तो 1 और 2, 2 ले लिया, कॉमा 0, ऐसे फरवरी का चाहिए, ऐसे में लुकअप, लुकअप वैल्यू, और यहाँ टेबल में जाएंगे, और हमने आईडी से जो आपका नेम जिसके बिहाफ पे ढूंढना है उससे स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पे कॉमा 3, 0 कर देंगे। ऐसे ही कंटिन्यू लगाते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मूला तो सेम है, यहाँ पे देखिए वी लुकअप का फॉर्मूला सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, बट इस तरह से वन बाय वन लगाएंगे, नंबर देंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। चलो ये तो आपको मान लीजिए 13 है, तो चलो 13 है तो आपको 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन जहाँ पे 130 होगा, 150 होगा, तो दिक्कत होगा। तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिएगा मैच का फॉर्मूला, तो बिल करके जैसे वो भी काम करता है, किसी वैल्यू को किसी कॉलम में ढूंढता है, जैसे मैंने कॉलम में ढूंढाया,
और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे जीरो सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये क्या बताएगा कि मैच का कॉलम नंबर बताता है कि मैच का कॉलम नंबर क्या है, अगर मैं आगे ड्रैग करूँ तो जनवरी का क्या है, फरवरी का क्या है, सबका कॉलम नंबर देगा जो कि हमें वीलुकअप को जरूरत होता है। तो क्यों ना मैच और वीलुकअप इकट्ठा लगा दिया जाए। इस मैच फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और इसके अंदर जहाँ वन है उसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। अब हो गया वीलुकअप और मैच साथ में लग गया। अब मुझे बस फ्रीज करके ड्रैग कर देना, फ्रीज को कर ताकि डी ई ना बने, इसलिए हम फ्रीज कर रहे हैं। तो फोर, इसका फोर फ्रीज कर दिया, नहीं ये तो पूरा फ्रीज होगा, फोर फ्रीज होगा, डी का डी नहीं पूरा डी टू पूरा फ्रीज होता है, वन बाई वन फ्रीज होगा हमारा। इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अब यहाँ पे जो भी नाम सेलेक्ट करूंगा उसके भी आप मुझे डेटा आ जाएगा, नीरज का, कविता का, मोहन का आ गया। पर प्रॉब्लम है कि एक सीट का डेटा दे रहा है, अगर सीट चेंज कर रहा हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, छोटा सा चेंजिंग करना है कि डी वन को यहाँ डी टू कर देना है तो डी टू का डेटा आ जाएगा, डी वन को डी टू कर देना है। थोड़ा सा हैंग हो गया, एक मिनट लीजिए, हैंग हो गया पीसी, फिर से बनाना पड़ेगा। तो वीलुकअप समझ में आया आप लोगों को? वीलुकअप समझ में आया? यस सर। वीलुकअप सर नहीं आता है मेरे को, देख नहीं अभी मैं बताया था, समझ में समझे कि नहीं समझे? नहीं आता तभी तो इतना समझाया। नहीं सर, ये वीलुकअप नहीं है मेरे को पता ही नहीं वीलुकअप होता क्या है। हाँ, इसका यूज करना होता है सर। आपको मैं वही तो बता रहा हूँ, किनको किनकी प्रॉब्लम है वीलुकअप का? मनीष जी, आपको? मनीष जी हाँ जी सर, मैं आपको समझाता रहा हूँ कि किसी डेटाबेस में से एक आईडी के बिहाफ पे सर्च करना, आप बैंक गए कभी? गए होंगे। हाँ, तो बैंक को अकाउंट नंबर देते हैं। हाँ, तो लाखों उसका सॉफ्टवेयर लाखों करोड़ों क्या बोलते हैं कस्टमर में से आपका रिकॉर्ड कैसे ढूंढ लेता है? यूनिक आईडी के आधार पर। हाँ, तो वही काम वी लुकअप का है कि यूनिक आईडी के बिहाफ पर वो आपके डेटा कर लेता है। अच्छा, समझे? पावर एक्सेल बंद क्यों हो रहा है यार? हेलो हेलो सर, देखो वीलू का समझ में आ गया है, लेकिन मेरे को सिर्फ वो उसका जो फॉर्मूले में अपन जो और एस लगाते हैं ना सर, वो कहाँ कहाँ लगाना है वो समझ में नहीं आता है सर। वो हम बता देंगे आपको, चिंता मत करिए, वीलू का आप समझाएंगे पूरा से। फॉर्मूला को नॉर्मल बार बार फाइल ओपन कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है फॉर्मूले में तो क्या करूँगा पता है आपको? ओपन करने से पहले मैं यहाँ फॉर्मूला बार में जाऊँगा और कैलकुलेशन को मैनुअल कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद मैं इस बुक टू को ओपन कर रहा हूँ। फाइल करप्ट हो गई है, प्रॉब्लम हो गई फाइल में, फाइल करप्ट हो गई, दोबारा बनाना पड़ेगा सर। ये ऑटो रिकवर होता है, 10 मिनट के पहले जो फाइल अपने आप सिस्टम में गलती के कारण क्लोज हो जाता है उसके लिए बनाता है। सर ये कैसे होता है, कैसे कहाँ से निकाली आपने? वो अपने आप आ जाता है यहाँ पे सर, निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो अपने आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो वी लुकअप होता है वर्टिकल लुकअप, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि 10 लाख का डेटा है, या मान लीजिए ना कि आपका 50,000 का ही डेटा है,
और उस 50,000 में से मान लीजिए आपको एक किसी एक का ढूंढना है, या किसी एक पांच का या किसी दो का, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर है मैं ढूंढूं और मुझे उसे मिल जाए, तो उसके लिए वी लुकअप का यूज होता है। ठीक है सर? ठीक है सर। तो वी लुकअप का यूज क्यों होता है? वर्टिकल, मतलब कि किसी डेटाबेस में ढूंढने के लिए। तो वी लुकअप का सिंपल मेथड है, वी लुकअप लगाइए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए किसको ढूंढना है और फिर टेबल कहाँ पे ढूंढना है और उस टेबल का कौन सा कॉलम चाहिए आपको, क्या एग्जैक्ट नाम मैच करना या फिर आसपास का भी चलेगा, बस चार चीजें देना होता है इसमें। अभी एक बार देखिए, मैं दोबारा से इस फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम हैंग हो गया था किसी कारण से। इसलिए लाइव प्रोजेक्ट था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप लोग तो काफी बिगनर निकले। देखिए जो प्रॉब्लम मैं अभी शेयर कर रहा हूँ वो ऑफिस में काम करते समय ही आता है सर। सर ये मेरे को भी जरूरत रहती है इसकी, ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना सर, मेरे बड़े काम की चीज है ये। लुकअप या जो एक टॉपिक है सो। हेलो, हाँ जी सर। लुकअप जरूरत पड़ती है, टॉपिक जरूरत पड़ती है, जो टॉपिक नहीं, मेरे पास ना मेरे चार पांच सिस्टम है, उनमें अलग अलग शीट्स रहती हैं, उनमें डाटा जो है मेरे को अलग अलग से करना पड़ता है। जैसे आपने ये बता रहे हैं ना, तो उसमें एक समरी बना करके बिल्कुल सेम ऐसे किया जा सकता है, मेरे लिए अच्छी चीज है सर ये। और आप लोग ध्यान से देखिए कैसे मैं बना रहा हूं। यहां पे मैं सीट नेम को सिलेक्ट करूंगा, सीट अंडरस्कोर नेम, और यहां पे हमारे नेम होगा, नेम लिस्ट होगा। तो नेम लिस्ट के लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं, और यहां से हम डेटा में जाते हैं और यहां रिमूव डुप्लीकेट, सॉरी यहां रिमूव डुप्लीकेट, तो यूनिक रह जाएगा। बाकी नेम हेडिंग भी हटा देता हूँ और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, लिस्ट पे जाता हूँ, सीट का नेम डाल देता हूँ। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिलेक्ट करना आसान रहेगा, लिखने में हो सकता है गलत सीट नेम लिख दिया तो रिजल्ट गलत आएगा। और यहाँ पे नेम, नेम के लिए भी हम डेटा वैल्यूएशन लगा देते हैं, डेटा वैल्यूएशन लिस्ट, और हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे डेटा में क्या है कि यूनिक नंबर कोई नहीं है, नेम के अकॉर्डिंग ही मैच करना, तो जरूरी नहीं है कि यूनिक ही हो, यूनिक होने से फ़ायदा होता है लेकिन आपका डुप्लीकेट भी चलता है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वीलुकअप, वीलुकअप में लुकअप वैल्यू कौन सा है हमारा पूजा, और सीट नेम कौन सा है हमारा, तो डेरे रहा हमारा सीट, और कॉमा इसमें वन एंड टू हमने ले लिया है, कॉमा जीरो, राइट। अब इस फाइल को सबसे पहले सेव कर देता हूँ कि इस बार अगर हैंग हुआ तो कोई दिक्कत ना हो, मैं वापस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सीट वन आ गया। अब इसमें क्या है कि जो हमारा मैनुअल वन है, तो हमने बताया आपको कि हमारे पास वी लुकअप के जैसा मैच भी होता है, तो यहाँ पे टू कर दिया, यहाँ पे वन ही था ना हमने। तो वीलुकअप को समझिए दोबारा सर, दोबारा मैं समझा रहा हूँ। वीलुकअप लगाएंगे, पूरा लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पूजा को सेलेक्ट करेंगे और आपका जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में जाएंगे, जहाँ से आपका यूनिक कोड स्टार्ट होता है, मतलब कि पूजा जैसे नेम था, नेम स्टार्ट होता है, वहाँ से देखिए अपनी डेटा को सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कौन सा कॉलम चाहिए, तो मैं सबसे पहले नेम का कॉलम चाहिए तो वन दूंगा, अगर ये चाहिए तो टू दूंगा, थ्री दूंगा, फोर दूंगा, ऐसे नंबर देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं वन दे रहा हूँ। उसके बाद ये पूछेगा एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर मिलता जुलता, तो हमने बोला एग्जैक्ट और एंटर मार दिया तो रिजल्ट हमारा आ गया। बट अब मुझे सब में वन बाय वन लगाना पड़ेगा और सब में वन टू थ्री करना पड़ेगा, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ऐसा ना करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास मैच का फॉर्मूला है,
मैच फॉर्मूला क्या करता है कि ये बताता है, ऊपर हेडिंग को सिलेक्ट किया और ये बोलेगा कि इस हमारे डेटा में कहाँ मैं कहाँ पे है ये नेम, तो पता चला कि नेम हमारा वन पे है। तो क्यों ना हम इस मैच फॉर्मूले को वी लुकअप के अंदर ही कॉपी पेस्ट करके डाल दें या लगा दें। दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, जैसे हमने कैलकुलेशन में मर्जिंग मेथड समझाया था उस मदद से। अब ये आगे हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, पर ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना होगा ताकि ए बी ना बढ़े। इसको हमें सर फ्रीज करने का शॉर्टकट क्या है? F4। अब मैं यहाँ पे नेम सेलेक्ट करूंगा तो रिजल्ट आएगा, बट इससे लिंक नहीं है। तो मान लीजिए कि मुझे अगर VLOOKUP लगाना है दूसरे शीट में, जिसे हमने कविता सेलेक्ट कर लिया, सॉरी यहाँ पे कविता, और इस बार मुझे मान लीजिए D2 से लगाना है, तो D2 में लगाया एंड कॉमा 0 2 या 1.0 1.0, तो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है सर? तो दोनों फॉर्मूला में देखिए ये क्या है, यहाँ पे D1 है और यहाँ देखिएगा ये आपका D2 है। तो हम यहाँ से मर्ज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या, हाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ हम इसको इसको यहाँ से इतने जो है D2 इसको और इसके जगह पे हम लगाते हैं यहाँ, इसको सेलेक्ट करके कोलकाता नेट कर देते हैं। हमने बोला कि आपको रिजल्ट खुद ब खुद नहीं लेना है, बट प्रॉब्लम है कि ये आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि टेक्स्ट है, रेफरेंस चाहिए नंबर में, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट हो गया, तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपका मैच में भी आपको सेम ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं मैच अगर सबका सीक्वेंस सेम है तो मैच उतना फर्क नहीं पड़ेगा, वरना मैच में भी सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। एंटर मारता हूँ, रेफरेंस आया, रेफरेंस आने का पर्पस ये है कि आपका D1 जो है आपका, एक मिनट में देखिए फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, चलिए बताता हूँ। कविता लिया डायरेक्ट, ओ D1 हमने कर दिया, B1 नहीं होगा हमारा, B2 होगा यहाँ पे। अब कविता आ गया, अब इसको आगे ड्रैग करना है तो इसको फ्रीज कर देता हूँ और इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ। सिंपल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। D2 कीजिए तो D2 सीट का आ जाएगा, D3 कीजिए D3 सीट का आ रहा है। इस पर चाहो तब चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए इंसर्ट और आप चार्ट इंसर्ट कर लीजिए अपना। चार्ट इंसर्ट कर लीजिए आपका सिंपल, यहां से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा कि D4 तो आपका 4 आ जाएगा, D5 5 का आ जाएगा, ऐसे नेम चेंज करूंगा मोहन तो मोहन का आ जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें पता है आपका, हमने जस्ट एड्रेस में जो था उस एड्रेस को, जो सीट का नेम लिखा हुआ था ना उस सीट नेम को, जैसे किसी अगर सीट का रेफरेंस की बात करें तो सीट का रेफरेंस कुछ इस तरह से था। देखिए यहाँ पे स्प्लिट आ रहा है ना, सीट का नेम कुछ इस तरह से था। तो हमने क्या किया कि इसमें हमने ये जो सीट का नेम था वो डिलीट कर दिया और इस पर हमने B2 के साथ हमने कंबाइन कर दिया। यहाँ देखिए B2 के साथ कंबाइन हुआ तो B2 पे क्या था वैल्यू, लेकिन इसको ऐसे कंबाइन तो नहीं करेंगे, इसमें तो इन्वर्टर कॉमा देना पड़ेगा हमें क्योंकि ये टेक्स्ट हो जाएगा फिर, तो इस तरह से बन जाएगा आपको। अगर मैं हटाओ सिंगल कोट तो आप देखेंगे कि ये आ गया D7। तो जो सीट का नेम देंगे ये रेफरेंस अपने आप चेंज हो जाएगा। अब इसमें इनडायरेक्ट का काम क्या है, तो पिक्चर लुकअप में देखा होगा आपने इनडायरेक्ट का काम क्या होता है, जैसे कि अभी इसको जो है ABCD नेम को लेता है, इसको ए नहीं समझ रहा है कि D1 में जाके ए से लेके एम तक, तो इसके लिए हमने इसको इनडायरेक्ट में डाला ताकि ये रीड करे। ओके ये चीज यहाँ पे किया हुआ है,
लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और भी है। दिक्कत क्या है, मैं इसको कॉपी करता हूँ कि ये फीचर्स वहां पे वर्क करेगा जहां पे आपका फीचर वहां पे वर्क करेगा जहां पे आपके डेटा में सिक्वेंशियली मतलब रिपीटेड नहीं है डेटा। अगर रिपीटेड नहीं है तो आपका ये फीचर्स वर्क करेगा, लेकिन मेरे डेटा में तो बहुत सारे रिपीटेशन है तो कैसे होगा। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है फिल्टर का, फिल्टर सिंपल फॉर्मूला, इसमें कोई खास नहीं है। फिल्टर हमने D1 में गया और डेटा को सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें पूछता है कि भाई मैच किसको करना है, तो हमने बोला कि मैच में हमने इसको यहाँ बोला कि नेम जो है हमारा वो इक्वल टू आया डी A1 के जगह पे D1 कर देता हूँ। सिंपल से देखिए D2 होगा, सिंपल से देखिए हमने बोला फिल्टर में हमने एक एड्रेस दिया और बोला कि इस कॉलम का मतलब कि D1 के A2 से A43 कॉलम का वैल्यू इक्वल टू ओम होना चाहिए और एंटर मारते ही ओम नहीं है क्या। हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने ओके इसमें देख मैं एक गलती मुझे दिख रही है इसमें। हाँ ये A1 से है, ये आपका A2 से है, तो यहाँ भी आपको A1 करना होगा, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रहा था। एंटर प्रेस किया तो आपके सामने जल दिख गया सर। मैं यहाँ पे इंदर की जगह पे अगर मैं ओम सेलेक्ट करूँगा तो ओम का डेटा आएगा। तो ये सबसे आसान है और इसमें क्या है कि रिपीटेशन भी होगा तो अपने आप आ जाएगा। दिख रहा है सर, हमने सिंपल क्या किया इसमें, हमने फिल्टर लिया। तो फिल्टर का फॉर्मूला क्या करता है जिसे ध्यान से देखिए, तो फिल्टर का सिंपल फॉर्मूला है जिसे फिल्टर आप लगाते हैं ना, आप पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और आपको चाहिए, आप ये चाहते हैं कि यहाँ इस कॉलर में जिसकी क्या मैच करना है। तो हमने बोला कि ए कॉलर में ए इक्वल टू होना चाहिए पूजा, या जो भी यहाँ पे देंगे उसका डेटा यहाँ फिल्टर करके आपको दे देगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक जितना बार होगा उतना बार दे देगा आपको सर। तो वी लुकअप से भी बेटर फॉर्मूला है हमारा फिल्टर। सर ये एक नाम का ही मैच करेगा या सारे नामों का मैच कर देगा? एक बार में एक ही करेगा ना। यहाँ पे इसमें सिलेक्ट करो विकास, तो विकास का आ रहा है। अच्छा ठीक है, सारे नाम का मैच करना, तो सारा नाम का डेटा तो हमारे पास यहाँ है ही। ठीक है, इसमें से किसी एक को तो उठाना है ना, जिसे हम नॉर्मली फिल्टर करके उठाते हैं। यहाँ से फिल्टर किया और यहां से उठाया हमने, आ गया मनीष जी। ठीक है आपको मनीष जी? हाँ जी सर, समझ में आया? हाँ अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ अभ्यास तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी इसमें दूसरा कि मैं यहाँ सीट नेम चेंज करूं तो भी हमारा काम करे, ये भी चाहिए ना सर। तो जो फीचर्स हमने यहाँ लगाए थे ना इनडायरेक्ट वाला, वही फीचर यहाँ भी अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि D1 को डिलीट करेंगे, कहाँ तक, एक्सक्लेमेशन मार्क तक, और कोड वुड भी डिलीट कर दीजिएगा। और हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ B2 एंड परसेंट देंगे, और ए जो एक्सक्लेमेशन मार्क से जो इसका 43 तक जो था उसको इनवर्टेड कॉमा में रख देंगे। अब एक ज्वाइन हो जाएगा तो फिर इसको कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट के अंदर में दे देंगे, बस इतना ही करना है। और ये चीज आपको दोनों जगह करना पड़ेगा कि दोनों जगह का मैच है ना, इसलिए दोनों जगह करना पड़ेगा ये चीज आपको। तो यहाँ पे इसी को उठा के आप रख सकते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, सिलेक्ट करके कॉपी।
बट इसमें आप ये कर दीजिए, क्या बोलते हैं, A1 से A43 है ना, निकट ये कर दीजिए, अब इसको एंटर मारता हूँ, अब हो गया, एग्जैक्ट वर्क करेगा यहाँ। अब मैं यहाँ पे D2 करूँ तो D2 का डेटा आ गया, D3 करूँ तो D3 का डेटा आ गया, D4 करूँ तो D4 का डेटा आ गया, ये आपका ओम का। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर, प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके बाद, फिर है ना? हाँ, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। स्टैक की नहीं चलता, एग्जैक्ट मैच होगा, स्ट्रैक ही नहीं चलता। ऐसे अगर फिल्टर के बारे में और ज़्यादा फॉर्म जानना चाहो तो यहाँ एफएक्स पे क्लिक कीजिए, हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, ये आपके हेल्प में आ जाएगा। तो ये फाइल दे दूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए? सर ये हाँ बिल्कुल दे दीजिए सर। चलिए ये फाइल आप लोगों को भेज देता हूँ। सर एक और चीज पूछनी थी, सर जब हम ना कोई किसी कॉलम में डेट लिख देते हैं तो उसके बाद जब हम उस कॉलम को आगे सरका देते हैं तो उसमें अगर नंबर लिखना चाहे तो वो डेट की फॉर्म में ही आता है, तो फिर जब हम उसको फॉर्मेट सेल में जाकर के उसको जर्नल कर देते हैं तो नंबर आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही होता है। हेलो, हाँ सर बोलिए, सुन रहा हूँ। सर जब हम ना किसी कॉलम में डेट लिख देते हैं तो उसके बाद जब हम उस कॉलम की जगह पे डेट हम आगे कर देते हैं नेक्स्ट, उसमें उसकी जगह हम डाटा लिखना चाहते हैं तो हम उसको ना फॉर्मेट सेल करने के बाद भी उसको डेट ही आती रहती है उसमें। कंट्रोल शिफ्ट 1 कर दीजिए उस पर। अच्छा जी, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके, ठीक है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट 1। मनीष जी आपकी आईडी कौन सा है? sauria.store। एक मिनट, ओके। इसके बाद पीयूष मित्तल जी का आ गया, संतोष चौहान जी का भी आई था क्या? संतोष चौहान जी है आपका? जी सर। इसकी प्रैक्टिस कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।